स्टूडेंट्स, आज मैं आप क्लास 10th के बच्चों के लिए लेकर आया हूं केमिस्ट्री सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस से वीडियो नंबर 4। आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स के बारे में। आप लोगों ने इसके पहले का जो वीडियो देखा था उसमें आपको सबसे फर्स्ट वीडियो में मिला था चेंजेस के बारे में, चेंजेस के टाइप्स के बारे में और उनके बीच के डिफरेंसेस के बारे में। फिर आपने जाना केमिकल रिएक्शंस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके बारे में, और उसके बाद आपने जाना ऐसे कौन से फेवरेबल कंडीशंस हैं जो केमिकल रिएक्शंस को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं कि केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो कितने टाइप के साथ एग्जिस्ट करता है या उसके कितने टाइप्स होते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं। तो उसके पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में कि इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है या इसे हम लोग कैसे यहाँ पर केमिस्ट्री के साथ जोड़कर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको दिया गया है, वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शंस आर हर्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री का हर्ट है, यानी हम कह सकते हैं केमिस्ट्री का दिल होता है केमिकल रिएक्शन। अगर केमिकल रिएक्शंस एग्जिस्ट ही ना करे तो आप समझ सकते हैं कि फिर केमिस्ट्री का क्या हालत होगा। आप कह सकते हैं ना कि केमिस्ट्री जो है ना वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि जो भी हमारे आसपास केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं उनमें जो इनके कन्वर्सन होता है उसके फिजिकल नहीं बल्कि केमिकल प्रॉपर्टीज में वो सब केमिकल रिएक्शन से जुड़ा होता है। आगे देखते हैं, सर्टेन रिएक्शंस लाइक द एक्सप्लोजन ऑफ डायनामाइट। कुछ रिएक्शंस जो होते हैं जैसे कि डायनामाइट जो उसमें विस्फोट जो होता है, और फॉरेस्ट फायर जंगलों में लगने वाला आग, आर मोस्ट इंटेंस, वेयर एज अदर लाइक बर्निंग ऑफ मैच स्टिक, एलपीजी, एटीसी आर लेस इंटेंस। यहां पर कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो हाई इंटेंसिटी के साथ एग्जिस्ट करता है जबकि कुछ लो इंटेंसिटी के साथ। तो हम लोग केमिकल रिएक्शंस को समझ सकते हैं इस प्रकार से भी कि कौन सा केमिकल रिएक्शन बहुत ही हाई इंटेंसिटी के साथ हो रहा है और कौन सा लो इंटेंसिटी के साथ हो रहा है। अब बात करते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन के टाइप्स की, जिसके ऊपर आज का वीडियो पूरा का पूरा फोकस किया गया है या बेस्ड है, आधारित है उसके ऊपर। हम लोग यहां पर देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं ये हमारे चार ओर बहुत तरह के पाए जाते हैं, बट उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट होता है, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण होता है जिसे हम लोग समझेंगे एक एक करके। सम इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर एज फॉलोज। कुछ महत्वपूर्ण प्रकार के केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो आपको समझना है, आपको समझने के लिए दिया गया। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि यहाँ पर कंबाइन होता है रिएक्टेंट और तब प्रोडक्ट बनता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन, यहाँ पर क्या होगा रिएक्टेंट टूटेगा, स्प्लिट करेगा, डिकम्पोज होगा और तब उससे प्रोडक्ट बनेगा। डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन, यहाँ पर क्या देखते हैं दो रिएक्टेंट होते हैं, एक रिएक्टेंट जो होता है वह ज्यादा रिएक्टिव मेटल के रूप में होता है और दूसरे रिएक्टेंट किसी कंपाउंड से वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करता है डिस्प्लेस कर देता है। डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन आता है, आपको यहाँ पर पढ़ना होता है ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन के बारे में, जिसमें हम देखते हैं कि एक होता है ऑक्सीडेशन और दूसरा होता है रिडक्शन। तो केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उसके बहुत सारे टाइप्स हैं। अगर आप लोग यहाँ पर देखिएगा डिस्प्लेसमेंट में ही, तो उसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट अगर जाते हैं तब वहां पर हमें समझने को मिलता है न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन और प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन को शुरू करें। इसके पहले एक पॉइंट और सुन लीजिएगा कि जितने भी तरह के रिएक्शन होते हैं, चाहे वो हाई इंटेंसिटी के साथ हो चाहे वो लो इंटेंसिटी के साथ हो, हम देखते क्या है कि वहां पर डिटेक्टेबल चेंज होता है। ठीक है, और एज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट आर डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल रिएक्टिंग सब्सटेंसेज, यानी कि जो सब्सटेंस या सब्सटेंसेज यानी एक पदार्थ या एक से ज्यादा पदार्थ जो रिएक्शन किया था उसका अपना जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है उस अलग प्रॉपर्टी हमें प्राप्त होगा किसके साथ, नए बने हुए सब्सटेंस के साथ यानी प्रोडक्ट के साथ। तो चलिए आते हैं सबसे पहले, हम सबसे पहला है कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहला आपको यहां पर दिया गया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यह होता क्या है, अ टाइप ऑफ रिएक्शन अंडर विच टू और मोर सब्सटेंसेज कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अंडर विच टू डिफरेंट सब्सटेंसेज कंबाइन टू ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू केमिकल सब्सटेंस। यह भी हो सकता है कि दो से ज्यादा पदार्थ भी आपस में जुड़ करके एक नए पदार्थ का फॉर्मेशन कर रहा हो। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है यहाँ पर कंबाइन हो रहा है, कंबाइन होने का मतलब क्या होता है जुड़ना,
एक दूसरे से जुड़ना, यानी कि यहाँ पर कम्बिनेशन हो रहा है, जुड़ रहा है आपस में एक दूसरे के साथ में। तब यहाँ पर यह हो सकता है कि या तो दो पदार्थ आपस में जुड़े या दो से ज्यादा पदार्थ आपस में जुड़े, और जुड़ करके क्या करेगा, एक नए पदार्थ का फॉर्मेशन करेगा, एक नया सब्सटेंस बनाएगा उस जगह पर। तो यहाँ पर हम आगे क्या देखते हैं कि आपको दिया हुआ है कि इन जनरल कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड एज, जनरली केमिकल रिएक्शंस को हम रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं, आपको दिया गया है रिएक्टेंट ए और बी के रूप में और प्रोडक्ट ए बी के रूप में। आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि रिएक्टेंट ए बी और सी के रूप में है और फिर उससे प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब कि या तो दो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन कर रहा है, नहीं तो दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्शन कर रहा है, बट यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है उनके बीच में, ठीक है। और जब वो रिएक्ट कर रहे हैं तो रिएक्ट करने के बाद वो आपस में ऐड होकर आपस में जुड़ करके एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसका निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन एग्जिस्ट करता है। अब आगे देखते हैं इसमें, अब देखें यहां पर हम देख रहे हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है ना, यह एक ही तरह से एग्जिस्ट नहीं करता है, इसके भी अलग अलग हो सकते हैं यहां पर एग्जिस्ट करने के फॉर्म्स, और हम उसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन जो है हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, हम इनको अलग अलग करके भी समझ सकते हैं कि कहां कहां पर किस तरह से अलग अलग सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं, और जो सब्सटेंस आपस में कंबाइन होता है जुड़ता है वह किस प्रकार का होता है, उसका अपना नेचर क्या होता है, उसका अपना फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहां पर दिया गया आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्लासिफिकेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के क्लासिफिकेशन में हम क्या देख रहे हैं कि आपको सबसे पहला दिया गया है एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन, फिर दिया गया है आपको यहां पर कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन, और इसके बाद आपको दिया गया है कंपाउंड एलिमेंट कॉम्बिनेशन। इसका अर्थ क्या निकलता है, इसका मतलब मीनिंग, हम यहां पर देख रहे हैं कि केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, उनको हम वर्गीकृत कर सकते हैं कुछ बेसिस पर, कुछ यहाँ पर आधार होना चाहिए उनको क्लासिफाई करने का, बिना बेस के तो हम क्लासिफाई कर नहीं सकते हैं। आखिर तो क्लासिफाई करेंगे तो कुछ तो बेस होना चाहिए ना, उनमें कुछ डिफरेंस तो होना चाहिए ना, तब ना उनको हम अलग करेंगे। तो डिफरेंस ये है कि आपस में ऐड होने वाला, आपस में कंबाइन होने वाला सब्सटेंस जो होता है वह या तो हो सकता है दो एलिमेंट, या हो सकता है दो कंपाउंड, नहीं तो हो सकता है एक एलिमेंट और एक कंपाउंड, ठीक है ना। फिर से सुन लीजिएगा, या तो आपस में कंबाइन होने वाला सब्सटेंस जो है दो एलिमेंट हो सकता है, नहीं तो दो कंपाउंड हो सकता है, नहीं तो क्या होगा, एक एलिमेंट होगा और एक कंपाउंड होगा, ठीक है, लेकिन ऐड होगा, जुड़ेगा सब, यानी कॉम्बिनेशन होगा उन सबके बीच में, इसको ध्यान रखिएगा हमेशा। तो यहां पर आपको दिया गया है सबसे पहला एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट सब्सटेंसेस। यह एक प्रकार का कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है जहां पर दो एलिमेंट सब्सटेंस आपस में कंबाइन होता है, जुड़ता है, ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़ता है, कंबाइन होता है। आगे आपको यहां पर दिया गया है उदाहरण के रूप में कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ दिया गया है आपको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, यानी कि आप यहां पर देख सकते हैं कि एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जो है आपस में कंबाइन हो रहा है और क्या बना रहा है, वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि एलिमेंट है और ये एलिमेंट है, यानी कि हाइड्रोजन एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी एलिमेंट है, और दोनों मिलकर के जिसको बना रहा है वह क्या है, कंपाउंड है, ठीक है, यानी कि एलिमेंट एलिमेंट के बीच में क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, और तब किसका फॉर्मेशन हो रहा है, कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो आपस में जुड़ने वाले जो है वो क्या है, एलिमेंट है, यानी कि दो एलिमेंट आपस में क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे आपको दिया गया है यहां पर एक और एग्जांपल, इसमें बर्निंग ऑफ कार्बन, कार्बन जब बर्न होता है जलता है, तो कार्बन जलेगा तो सपोर्टर ऑफ कंबशन क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन, तो कार्बन ऑक्सीजन के संपर्क में जलेगा और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तब यहां भी कॉम्बिनेशन हो रहा है, यानी कि जो पहला आपको जो यहां पर जो दिया गया था एलिमेंट एलिमेंट, ये आपको कॉम्बिनेशन दिया गया था, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक आपको यहां पर कंबाइन हो रहा था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और दूसरा में क्या देख रहे हैं, ये कार्बन जो है ना ये बर्न हो रहा है किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल रहा है। तो ये आपका जो है एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ, ठीक है। अब दूसरा यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो दूसरा जो होगा यहाँ पर टाइप जो होगा क्लासिफिकेशन करने पे वहां पहुंचते हैं। अब दूसरा है कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन, इसमें क्या देख रहे हैं, दिस कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच
टू कंपाउंड कंबाइन। यह एक ऐसा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है जहां पर दो कंपाउंड जो होते हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं, और उनके जुड़ने से एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो एग्जांपल के रूप में यहां पर देख सकते हैं, रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम इन वाटर। क्विक लाइम का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? वाटर के साथ हो रहा है। और यहां पर क्या बन रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, ठीक है। तो इस जगह पर भी हम क्या देख रहे हैं कि दोनों के बीच में क्विक लाइम और वाटर, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन हो रहा है। और ये दोनों क्या है? पहले से कंपाउंड है, यानी कि कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन को ही शो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद यहां पर देख लीजिएगा नेक्स्ट जो है, सो अगला है आपका सी में है कंपाउंड और एलिमेंट। कंपाउंड और एलिमेंट जो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसको देख लीजिएगा। तो अब तक दो हो चुका है, एक हुआ है आपका एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन, दूसरा हुआ है कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन, अब तीसरा है कंपाउंड और एलिमेंट कॉम्बिनेशन। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि दिस कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच एलिमेंट एंड कंपाउंड कंबाइन। यह एक ऐसा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जिसमें एलिमेंट और कंपाउंड जो होता है आपस में जुड़ जाता है। अब तक हमने देखा था कि दो एलिमेंट आपस में जुड़ रहे थे, अब हम देख रहे हैं यहां पर कि दो कंपाउंड आपस में जुड़ रहे हैं, अब हम देखेंगे कि एक एलिमेंट जुड़ेगा और एक कंपाउंड जुड़ेगा, आपस में ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है। तो यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है इसमें क्या देखते हैं कि एलिमेंट और कंपाउंड आपस में कंबाइन होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कॉम्बिनेशन किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड और किसका? ऑक्सीजन का। क्या बनाने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच में क्या हो रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में कॉम्बिनेशन हो रहा है। इसमें एक क्या है? तो इसमें हम कह सकते हैं कि एक जो है वह कंपाउंड है और दूसरा क्या है? एलिमेंट है। तो इस प्रकार से कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन जो होता है वो एग्जिस्ट कर रहा है कंपाउंड और एलिमेंट के कॉम्बिनेशन के रूप में। एक और यहां पर अभी एग्जांपल ले सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, वहां पर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा जुड़ करके। तो ये आपका पहला जो है टाइप केमिकल रिएक्शन का, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन खत्म होता है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन हम किसे कहते हैं, आप लोग उसके टाइप्स को भी समझ गए होंगे। इस बेसिस पर कि आपस में कौन जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है, एलिमेंट है या कंपाउंड है या एलिमेंट कंपाउंड दोनों है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं आगे यहां पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन की ओर। डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन सेकेंड नंबर पर है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कोई भी एक केमिकल सब्सटेंस जो होता है वो डिकम्पोज होता है, स्प्लिट करता है, टूट जाता है उनमें जिससे वो बना हुआ था। तो आपको यहां पर डिफाइन किया गया है कि द रिएक्शन इन विच कंपाउंड इज स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। इट मींस वी कैन से दैट डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन अंडर विच वन केमिकल कंपाउंड इज स्प्लिट और डिसोसिएट इनटू टू और मोर देन टू सिंपलर सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी हीट कैल्शियम कार्बोनेट, व्हेन वी हीट कैल्शियम कार्बोनेट देन इट स्प्लिट इंटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हियर कैल्शियम कार्बोनेट इज अ रिएक्टेंट वेयर एज कार्बन ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड आर क्या होगा? प्रोडक्ट, ठीक है ना, दे आर प्रोडक्ट। तो यहां पर हुआ क्या? यहां पर हम ये देख रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है, यानी कि क्या है? डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम समझते हैं फिर से जो दिया हुआ, मेंशन किया हुआ है। आप यहां पर दिया हुआ था कि एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जहां पर एक कंपाउंड जो होता है स्प्लिट करता है, टूट जाता है, ठीक है, और टूट करके दो या उससे ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस को फॉर्म करता है। आगे आपको दिया गया है कि HGO, इसको जब हम हीट कर रहे हैं तब क्या देख रहे हैं? मर्क्यूरी अलग हो जा रहा है और ऑक्सीजन अलग हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है? हीट करने से टूट रहा है, हीट कर रहे हैं ना तो टूट रहा है, यानी कि क्या था? एक सिंगल कंपाउंड था और दो सिंपल में टूट गया, ठीक है ना, सिंगल कंपाउंड था दो सिंपल में टूटा है, तो क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन हो रहा है यहां पर। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हम लोग डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शंस को भी क्लासिफाई कर सकते हैं? तो हाँ, डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं उनको भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं, और उनको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं दो बेसिस पर, ठीक है। सबसे पहला बेस यही है कि आखिर डिकम्पोज कौन हो रहा है, टूट कौन रहा है, ठीक है, और टूट करके वो जा किस में रहा है, से समझिएगा इसको। सबसे पहला बेस होता है कि जो सब्सटेंस टूट रहा है, जो डिकम्पोज हो रहा है, वो डिकम्पोज होने के बाद किसमें कन्वर्ट हो रहा है? क्या वो टूटने के बाद एलिमेंट एलिमेंट में जा रहा है? क्या वह टूटने के बाद एलिमेंट और कंपाउंड में जा रहा है? क्या वह टूटने के बाद कंपाउंड और कंपाउंड में जा रहा है? हमें यह समझना होगा। अब आप
आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अभी हमने जो कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन के बारे में सुना था और अभी जो हम डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन के बारे में सुन रहे हैं, तो क्या दोनों के बीच में कुछ ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट है, उल्टा है? तो हाँ बिल्कुल, यह दोनों रिएक्शन एक दूसरे का अपोजिट होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज टोटली अपोजिट टू डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हाई, व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज दैट ड्यूरिंग अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन वी कैन ऑब्जर्व दैट टू डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस आर कंबाइंड टू ईच अदर, वेयर एज अंडर डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन वन सिंगल कंपाउंड इज स्प्लिट इंटू टू और मोर देन टू सिंपल सब्सटेंसेस, सो दे आर टोटली अपोजिट टू ईच अदर। पूरी तरह से एक दूसरे से क्या है? उल्टा है। अभी हमने देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कि एलिमेंट एलिमेंट जुड़ रहा था, कंपाउंड बना रहा था। अभी यहां हम क्या देख रहे हैं कि कंपाउंड टूटकर एलिमेंट एलिमेंट में जा रहा है। उल्टा है, बिल्कुल बिल्कुल अपोजिट होगा। चलिए फिर इसको देखते हैं। अगर आपको दिया गया सबसे पहला एलिमेंट एलिमेंट डिकम्पोजिशन, इसमें क्या है? द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट फॉर्मड आर ओनली एलिमेंट और एलिमेंट्री मॉलिक्यूल। एक ऐसा रिएक्शन जहां हम देखते हैं कि प्रोडक्ट जो होता है, जो प्रोड्यूस होता है या बनता है, वह सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? एलिमेंट के रूप में होता है। ठीक है ना? तो वही फिर से एग्जांपल है HGO, इसको हीट कर रहे हैं। HGO तो आप लोग जानते हैं ना, मरघरी होता है, हीट कर रहे हैं, केस में आ रहा है वो अपने सिंपल जो है कंस्टिट्यूएंट उसमें टूट जा रहा है। तो बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। आगे देखिए, आगे आपको दिया गया है सेकंड नंबर पर क्लासिफिकेशन में कंपाउंड कंपाउंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या देख रहे हैं? द डिकम्पोजिशन इन विच द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर डिफरेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जब इस प्रकार का रिएक्शन एग्जिस्ट करता है, तब एक सिंगल सब्सटेंस टूट करके दो कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो रहा है। एक सिंगल जो है, मतलब कि एक कंपाउंड जो आपको दिखाई पड़ा है यहाँ पर, कॉपर हाइड्रोक्साइड CH2, यह डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है आफ्टर हीटिंग, गर्म करने पर। इसमें यहाँ पर कॉपर का ऑक्साइड आपको दिखाई पड़ रहा है और क्या है? वाटर में टूट रहा है। यानी कि यहाँ पर एक सिंगल था और टूट के दो में जा रहा है, लेकिन दोनों कंपाउंड्स बन रहे हैं। ठीक है ना? इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, उनका निर्माण हो रहा है इस जगह पर। तो ये आपका सेकंड नंबर पर आ रहा था क्लासिफिकेशन में, किस बेसिस पर? वही कि अगर एक सिंगल टूटेगा तो किस में जाएगा, उस बेसिस पर, डिकम्पोजिशन में। अब इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें या समझने का प्रयास करें, तो हम यह भी कह सकते हैं कि एक ऐसा भी यहाँ पर होगा, आपका टाइप होगा, जिसमें एक सिंगल कंपाउंड जो होगा वह टूट करके आपको कन्वर्ट होगा एक कंपाउंड में और एक एलिमेंट में, टूट करके एक कंपाउंड और एक एलिमेंट में जाएगा। ठीक है? तो इस प्रकार से आप सिंपली समझ सकते हैं या कह सकते हैं कि यह पूरी तरह से जो है अपोजिट है या उल्टा है, किसके? कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन के। ठीक है? अब हम लोग आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन को दूसरे तरह से समझने के लिए, दूसरा जो बेसिस है उसकी तरफ आते हैं। तो अब देखते हैं, यहाँ पर आपको दिया गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एनर्जी यूज्ड फॉर डिकम्पोजिशन। अब देखिए, टूट रहा था, चलिए इसमें है क्या? मान लेते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो कंपाउंड है ना, उसके मॉलिक्यूल्स को बंधे हुए आपस में, बंधे हुए पूरा मजबूती से, उनको अलग करना है। तो अलग करने के लिए हमें तो एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा ना, ऐसे तो अलग होंगे नहीं। तो यहाँ पर एनर्जी हम जो दे रहे हैं, जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि फेवरेबल कंडीशन होता है, फेवर करता हुआ रिएक्शन को, तो यहाँ पर जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एनर्जी यूज्ड फॉर डिकम्पोजिशन, यानी कि डिकम्पोजिशन के लिए जो एनर्जी यूज होता है, जो एनर्जी यूज होता है, अगर हम उसके टाइप की बात करते हैं, तब क्या देखते हैं कि यहाँ पर आता है रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन के रूप में, इसके अलावा आता है फोटो डिकम्पोजिशन के रूप में, और आता है इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन के रूप में, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि थर्मो का मतलब क्या होता है? हीट होता है। ठीक है ना? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि थर्मो मीन हीट, इट मीन्स द डिकम्पोजिशन इन विच इज ब्राउट अबाउट बाई हीट, यानी कि द केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस ड्यू टू द सप्लाई ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि आपको दिखाई क्या पड़ रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है ना? इसको हम यहाँ पर हीट कर रहे हैं, तो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? ये टूट रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है इस जगह पर। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक सब्सटेंस है, एक कंपाउंड था, हीट का सिंबल है, वो दो में टूट रहा है। ठीक है? तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन तो हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है? हीट सप्लाई करने से हो रहा है, हीट जो हम सप्लाई कर रहे हैं ना, उसकी वजह से हो रहा है डिकम्पोजिशन। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिया गया फोटो डिकम्पोजिशन।
यानी कि यहां पर हम क्या देख रहे हैं, कि डिकम्पोजिशन तो होगा लेकिन किसकी वजह से होगा, लाइट की वजह से होगा। तो फोटो डिकम्पोजिशन में क्या देख रहे हैं कि फोटो मीन्स लाइट एंड लाइसिस मीन्स ब्रेकिंग। देखिए फोटो का मतलब होता है लाइट और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग, ठीक है ना। यानी कि इट मीन्स द डिकम्पोजिशन इन विच ब्राउट अप बाई लाइट, मतलब क्या हुआ, अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ लाइट, यानी कि लाइट के प्रभाव से जो हो रहा है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि हम लाइट के प्रेजेंस में अगर हम किसी एक ऐसे पदार्थ को रखते हैं जो टूट रहा है, जो डिकम्पोज हो रहा है, इसका मतलब होता है कि वहां पर लाइट जो है उसके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है अपना, और वो किसमें आ रहा है, फोटो डिकम्पोजिशन में आ रहा है। जैसे हाइपोक्लोरस एसिड डिकम्पोजेस टू गिव हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑक्सीजन, इसमें हम क्या देख रहे हैं इसके ऊपर यहां पर लाइट का आ रहा है, और ये किसमें टूट रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑक्सीजन में टूट रहा है। इसके बाद सबसे लास्ट आता है इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। इसमें क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन जो इसको इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से भी जाना जाता है, इलेक्ट्रो मीन होता है करंट और डिकम्पोजिशन जो है ना इसका मतलब तो आप टूटना जानते ही हो, तो इलेक्ट्रो का मतलब करंट हुआ, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिच ब्राउट अबाउट बाय इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि एक ऐसा डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन जो किसकी वजह से होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से होता है, ठीक है ना, उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। तो मान लेते हैं कि कोई भी कंपाउंड है, जैसे अगर हम कॉपर सल्फेट की बात कर लेते हैं, ठीक है, अगर हम उसका सॉल्यूशन फॉर्म यहाँ पर ले लेते हैं और अगर उसके थ्रू अगर इलेक्ट्रिक करंट अगर पास होता है तो हम क्या देखते हैं कि वो डिकम्पोज होता है, टूटता है। इसका मतलब होता है कि वहां पर इलेक्ट्रिक करंट जो है ना वो फैक्टर है और उसकी वजह से वो डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन कहेंगे। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने समझा है केमिकल रिएक्शन जो है इसके क्लासिफिकेशन को, और यहाँ पर हमने समझा है दो तरह के केमिकल रिएक्शन को, पहला कॉम्बिनेशन और दूसरा डिकम्पोजिशन। अब इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का वीडियो जो होगा उसमें आप लोग समझेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में और साथ ही रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में समझेंगे। आज के लिए इतना ही।